हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बेसन की चीले, जो लो कैलोरी, हाई प्रोटीन और फाइबर कंटेंट से भरा हुआ है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें ट्रांसफर करेंगे 250 ग्राम बेसन, उसमें डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इस तरह से रगड़ के डाले, तो ऐसे करके डालें, ऐसे करने से डाइजेशन में हेल्प होती है। फिर डालेंगे जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए वेजेस, तो ये देखिए मैंने पहले से कट करके रख लिया था। तो यहाँ सिर्फ गाजर को मैंने घिसा हुआ था, बाकी सारे वेजेस को मैंने चॉप कर लिया है बारीक। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेसन से रिलेटेड कोई भी रेसिपी बनाइए तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, उससे आपको डाइजेशन में हेल्प होती है। सारे वेजेस को हमने डाल लिए बेसन में, अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पानी। जब भी आपको रोटी बनाने का मन ना करे तो इस रेसिपी को जरूर बना के खाइए, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और साथ में हेल्दी भी है ये। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम ऐसी बना लेंगे, ये देखिए। तो अब इसे कवर करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, पैन में हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। तो जैसे ही पैन गर्म होगा हम एक बार बेसन के घोल को यूं मिक्स कर लेंगे, फिर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और धीरे धीरे करके हम ज़रूरत के हिसाब से बेसन के घोल को इस पर स्प्रेड करेंगे। जैसे ही बेसन एक तरफ से पकने लगेगा इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो इसे हल्के हाथों से हम इस तरह से करके पलट लेंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी पक सके। तो आधी छोटी चम्मच तेल हम और डालेंगे और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से पक चुका है अच्छे से। फ्रेंड्स, आप मेरी बात मान करके इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कीजिए। तो एक चीला हमारा बनके तैयार है, इसी तरह से हम बाकी के भी चीले बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सारे चीले एक जैसे बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ, आप चाहे तो इसे दही अचार के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपीज देखते रहने के लिए नीचे में जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर लीजिए और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।